स्टॉक मार्केट साज में आपका स्वागत है। आज हम होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करेंगे। इसके डेट, रिव्यूज, प्राइस बैंड एंड मार्केट लोड के बारे में बात करेंगे। अब हम इस कंपनी की बेसिक जानकारी के बारे में बात कर लें। यह कंपनी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी, इसको HFFC भी कहते हैं। इसका IPO 21 जनवरी को खुलेगा और 25 जनवरी को बंद हो जाएगा। यह एक संपत्ति को खरीदने और बेचने पर ऋण देने वाली कंपनी है। वाणिज्यिक संपत्तियों को की खरीद के लिए वित्त डेवलपमेंट भी यह कंपनी करती है। कंपनी की 11 राज्यों में 60 जिलों में फैली 65 शाखाएँ शामिल हैं। कंपनी मुंबई आधारित है, यानी कंपनी का ऑफिस हेड ऑफ क्वार्टर मुंबई में है। कुछ राज्यों में जहां कंपनी की शाखाएँ हैं उनमें से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य कई राज्य शामिल हैं। अब हम इस कंपनी की IPO के बेसिक जानकारी के बारे में बात कर लेंगे। होम फर्स्ट फाइनेंस IPO, डेट एंड प्राइस बैंड, 21 तारीख 2021 को IPO ओपन होगा और 25 तारीख को IPO बंद हो जाएगा, यानी 21, 22, 23, 24, 25। अपने पास 5 दिन तक या IPO में अप्लाई करने के लिए अपने पास 5 दिन रहेंगे और IPO 1200 करोड़ का IPO साइज रहेगा। प्राइस बैंड यानी शेयर का प्राइस 517 से 518 पर शेयर रहेगा। लिस्टिंग BSE और NSE पर इसकी लिस्टिंग होगी तथा रिटेल पार्टीशन, मतलब रिटेल के लिए कोटा 35% रहेगा। रिटेल के लिए कोटा इक्विटी यानी कितनी शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे, 178.2 करोड़ शेयर मार्केट में लिस्ट होंगे। फेस वैल्यू दो पर इक्विटी शेयर पर मार्केट में शेयर लिस्ट होंगे। ध्यान रखना, फेस वैल्यू 2 ही रहेगी इस IPO में। अब हम इसके मार्केट लोड के बारे में जांच कर लें। होम फर्स्ट फाइनेंस IPO मार्केट लोड मिनिमम 28 शेयर के लिए अपन अलॉटमेंट के लिए लगा सकते हैं, जिसमें अपने को अपना मिनिमम अमाउंट 14,504 की इन्वेस्टिंग हो जाएगी तथा हम मैक्सिमम 365 शेयर के लिए लगा सकते हैं। उसके लिए अपने को मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टिंग 1,88,552 की हो जाएगी, यानी मिनिमम हम 28 शेयरों के लिए एक लोट में 28 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 364 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी महत्वपूर्ण डेटों के बारे में ध्यान देंगे। होम फर्स्ट फाइनेंस IPO अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट डेट 29 जनवरी को रहेगी। रिफंड डेट 1 फरवरी 2021 को रहेगी और अगर अपना IPO में अलॉटमेंट लगता है तो 2 फरवरी को अपने डीमैट अकाउंट में शेयर जाएंगे, यानी क्रेडिट ऑफ डीमैट अकाउंट 2 फरवरी 2021 को अपने अकाउंट में आ जाएंगे और 3 जनवरी को लिस्टिंग होगी। अब हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में देख लें। होम फर्स्ट फाइनेंस IPO फाइनेंशियल, 2018 में इसका रेवेन्यू 134 करोड़ था 2018 में इसका रेवेन्यू 134 करोड़ था, जो 2019 में बढ़कर 271 करोड़ हो गया और जो 2020 में और बढ़कर 420 करोड़ हो गया तथा 2021 के प्रथम क्वार्टर में इसका रेवेन्यू 243 है, यानी सितंबर क्वार्टर में 243 करोड़ हैं तथा इसका एक्सपेंस 2018 में 110 करोड़ था, जो बढ़कर 2019 में 206 करोड़ हो गया और जो और बढ़कर 2020 में 312 करोड़ हो गया और 2021 के प्रथम क्वार्टर में 173 करोड़ रहा। और अब हम इसके पीएट के बारे में जांच कर लें। 2018 में इसका 16 करोड़ था, जो 2019 में 45 करोड़ हो गया और 2020 में यह और बढ़कर 79.1 करोड़ हो गया और 2021 में 58.8 करोड़ हो गया। कंपनी के प्रमोटर के बारे में जान ले अब हम।
कंपनी के प्रमोटर ट्रू नॉर्थ एंड वी एलएलपी एंड हेथर मॉरिसस लिमिटेड हैं तथा कंपनी का रजिस्टर के एफ एन टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हैं।